हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 हमारी प्री प्रिपेयर्ड सीरीज़ का फॉर यूपीएससी बीपीएससी एग्जामिनेशन। अगर आप यूपीएससी या फिर बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बिकॉज इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी 5 वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। हम सॉल्व करेंगे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके प्रिलिम्स के लिए के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सही रहेंगे। आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, जो भी आपने पढ़ा है जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चीज़ें समझनी और ईजी हो जाती है, याद रखनी और ईजी हो जाती है। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगा। प्रॉक्सी ज्ञान इज़ आर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और हाँ, लेक्चर पूरा देखने से पहले आप हमारे चैनल को, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकॉन, सो दैट अगर हम कोई नई वीडियो या नया लेक्चर लेकर आएँ तो आपको उसके बारे में पहले से ही पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। वेरोनिका मैम लेकर आई हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ BPSC के लिए बनाई गई है और 1 सितंबर से ये टेस्ट सीरीज़ आपकी स्टार्ट होने वाली है। अब इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ये है कि यहाँ आपको 20 सेक्शनल टेस्ट, 5 फुल लेंथ टेस्ट और एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपके लिए, सिर्फ आपके लिए क्रिएट किया जाएगा, जहां पर आप अपने सारे डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। यहां तक कि PYQ की रिवीजन, करंट अफेयर्स का कवरेज और आपको आपके टेस्ट सीरीज़ का PDF सॉल्यूशन भी यहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये मत भूलिएगा कि 1 सितंबर से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, कुछ ही सीट्स बची हैं। आपको करना बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये जो QR कोड दिया हुआ है ना, आपको इसको किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन करना है। अफोर्डेबल प्राइस है ₹499। जब आप फीस की पेमेंट कर देंगे तब रिसीट को आपको इस WhatsApp नंबर पे स्क्रीनशॉट के फॉर्म में शेयर करना है। हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो टीम है, वो आपके स्क्रीनशॉट के बेसिस पर आपको सेपरेट टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप पर ऐड करेगी, जहां आपको 24/7 डाउट रेजोल्यूशन फीचर मिलेगा वेरोनिका मैम के अंडर। तो ये है हमारी BPSC टेस्ट सीरीज़। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बहुत डायरेक्ट और फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, तो घबराइएगा नहीं, इसको सॉल्व करना ईजी है अगर आपने NCERTs बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में डिसिप्लिन के साथ पढ़ी हैं। डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं BPSC के प्रिलिम्स के एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, स्टैंडिंग बुद्धा ऑफ सुल्तानगंज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ स्कल्पचर? मथुरा स्कूल, सारनाथ स्कूल, गांधार स्कूल या अमरावती स्कूल? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से आप अगर बिहार के बैकग्राउंड को, हिस्ट्री को देखेंगे, काफ़ी रिच हिस्ट्री रही है बिहार की। आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में पूछे जाते हैं प्रिलिम्स में। सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है सही आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए। द करेक्ट आंसर हेयर वुड बी, येस इट इज़ बी, बी आपका करेक्ट आंसर है, सारनाथ स्कूल। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये स्कल्पचर है जो पाया जाता है। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड न्यू स्कूल ऑफ स्कल्पचर डिवेलप्ड। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, किस पीरियड में, किस राजा के शासन में? गुप्ता पीरियड में ये एक नया स्कूल था, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट, और जिसके अंदर इस तरीके की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। आप देखोगे बहुत शाइनी, ग्लॉसी और बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड मूर्ति है, ठीक है। इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई द यूज़ ऑफ क्रीम कलर्ड स्टैंड स्टोन, यूज़ ऑफ मेटल विच वी कैन सी इन द स्कल्पचर ऑल्सो। अब यहाँ पर आप देखोगे स्कल्पचर में बारीकी देखनी है, कितने बढ़िया तरीके से फोल्डिंग्स बनाई गई है, ड्रेस मेटल से बनाया है और पर ऐसा दिख रहा है जैसे प्रॉपर कपड़ा ही हो। तो आप यहाँ पर देखोगे बहुत इमैक्यूलेटली स्ट्रक जो आपका स्कल्पचर है उसको ड्रेस किया गया है। और बहुत सारे स्कल्पचर्स में ना ये हुआ करता था कि बुद्धा के पीछे एक हैलो भी बनाया जाता था उनकी डिविनिटी को डिफाइन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धमसा, ढोल एंड चमक आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया? भारत के किस डांस फॉर्म में धमसा, ढोल और चमक का यूज़ किया जाता है? विदेशिया, धूमल, रासलीला या चाओ? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन भी NCERT बेस्ड ही है। 5 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है टू आंसर द क्वेश्चन।
ऑल राइट, लेट्स हैव अ लुक एट दी आंसर. करेक्ट आंसर की तरफ जाते हैं. देखिए, आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है. आपको मैं एक बात और बता देती हूँ, जब भी प्रिलिम्स की बात आती है, प्रिलिम्स के लिए अगर आपको आपकी नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो डायरेक्टली किसी मटीरियल या किसी रिसोर्स पर मत जाइएगा. यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी एनसीईआरटीज पे भरोसा करना है. ठीक है, एनसीईआरटीज अगर आपने दो बार रिवाइज़ की है तो आपका फाउंडेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो करेक्ट आंसर है डी, दैट इज़ चाउ डांस. चाउ डांस में आप देखोगे इस तरीके से ना मास्क का यूसेज होता है. देखिए कितने सारे मास्क हैं पीछे. तो यहाँ पर ढमसा, ड्रम्स, ढोल प्लेयर्स को बुलाया जाता है चाउ डांसर को अकंपनी करने के लिए. चाउ डांस ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी फेमस है. रामायण, महाभारत जैसी जो गाथाएं हैं, फोक लोर्स होती हैं, उन सभी को चाउ डांस के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, और इसको मेल डांसर्स को सिखाया जाता है. बेसिकली एक्सक्लूसिवली ये डांस मेल्स परफॉर्म करते हैं इंडिया में. ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर मेल्स परफॉर्म करते हैं. और चाउ डांस के बिना अलग अलग फॉर्म होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि पुरुलिया चाओ, मयूरभंज चाओ. कुछ चाउ डांस ऐसे होते हैं जहाँ पर मास्क नहीं पहना जाता, जैसे कि मयूरभंज चाओ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. देखिए, आप सभी ने ना एक बहुत फेमस यूट्यूबर का नाम सुना होगा जो एक आर्कियोलॉजिस्ट का काम करते हैं. उनका नाम है प्रवीण मोहन. अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आज ही आप इनके चैनल पर जाकर इनकी वीडियोस देखिए. इनका नाम है प्रवीण मोहन. इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली और सरप्राइजिंगली याली की बात की है. और अगर आपने ये वीडियोज़ देखी हैं, इनकी मोस्टली वीडियोज़ ऐसी हैं जो प्रिलिम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. ये आर्किटेक्चर, एंशंट हिस्ट्री की बात करते हैं. याली इज़ अ स्कल्पचरल फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ विच किंगडम? भामनी, पालवास, इंपीरियल चोलास और विजयनगरा. अब यहाँ पर प्रवीण मोहन सर की वीडियो मुझे याद है, मैं देखा करती थी पिछले साल. और ये जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे एकदम क्लिक कर गया. मैं इसको बहुत ईजिली सही आंसर मैंने मार्क कर दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड के अंदर. मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था क्योंकि प्रवीण मोहन सर ना आर्ट एंड कल्चर को बहुत डिटेल में विद फैक्ट्स एंड प्रूवन एविडेंसेस शो करते हैं. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका डी, दैट इज विजयनगर एम्पायर. तो इस तरीके से आप देखोगे ये एनिमल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर याली जो है वो विजयनगर एम्पायर में जब भी टेंपल्स बना करती थी तो गेट कीपर के तौर पे इनको बनाया जाता था. बेसिकली ये हॉर्स और लायंस का एक तरीके का मिक्सचर होता था ये क्रिएचर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का. द फेमस टेंपल्स ऑफ बृहदेश्वरा एट थांजावुर, गंगाईकोंडा चोलापुरम एंड दारासुरम वर बिल्ट ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ पल्लवास, पांड्यास, चालुक्यास और चोलास. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. देखिए बृहदेश्वरा टेंपल ना ऑलमोस्ट न्यूज़ में हमेशा रहता ही है, तो काफ़ी इजी हो जाता है ये क्वेश्चन आंसर करना. थांजावुर में जो बृहदेश्वरा टेंपल है, देन गंगाईकोंडा चोलापुरम, देन दारासुरम, ये टेंपल्स किस राजा के रूल के दौरान, शासन के दौरान बनाए गए थे? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका है, इट इज डी, दैट इज योर चोलास. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे चोला टेंपल्स, आप हमेशा याद रखना जब भी चोला टेंपल्स की बात आती है ना, काफ़ी मैग्निफिशेंट द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल्स हैं ये. जो भी साउथ में टेंपल्स हैं वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में आते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री द लाइटनिंग कंडक्टर एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वॉज रिलेटेड टू INA रिवोल्ट, establishment ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल या कोमागा टू मारू इंसिडेंट. अगेन ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. अगर आपने एंशंट इंडियन हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ी है राजीव वहीर सर की, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली मार्क कर सकते हैं. देखिए सारे क्वेश्चन फैक्चुअल आपकी किताबों से ही आते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई इधर उधर का मटेरियल लेने की ज़रूरत ही नहीं है. डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आप बुक से अपने तैयार कर सकते हैं. करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी, दैट इज़ दी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. हमेशा याद रखना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई थी. लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लाइटनिंग कंडक्टर नाम इसको दिया था बिपिन चंद्रा ने. ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा. अर्ली कांग्रेस लीडर हुआ कर सकते थे, उन्होंने कहा था कि जो एओ ह्यूम है ना वो लाइटनिंग कंडक्टर है. एओ ह्यूम बेसिकली वो ब्रिटिश एक्स सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने मोटिवेट किया था हमें कि हम इस तरीके का अपना एक पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश करें. ठीक है, तो इसीलिए बिपिन चंद्रा ने एओ ह्यूम को कहा था कि आप एक तरीके के स्टिमुलेटर हो, कंडक्टर हो, जिन्होंने हम सब नेशनलिस्टिक फोर्सेज को एक प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर आए हो. कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी गई थी आरपी दत्त के द्वारा. उनका ये मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ब्रिटिशर्स की कॉन्स्पिरेसी है, ताकि वो क्या करें, जितने भी महान पॉपुलर अपराइजिंग उस टाइम पर हो रहे थे उनको दबा दें एक पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश करके. पॉलिटिक्स के अंदर बड़े बड़े जो रिवोल्ट्स हैं उसको दबाने की कोशिश ब्रिटिशर्स कर रहे हैं,
इसीलिए एओ ह्यूम की वजह से उन्होंने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ओपन करवाया। तो ये आपके क्वेश्चंस थे आज के, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपके दिमाग को स्टिमुलेट करते हैं। डेली जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 6 बजे शाम को, ये क्वेश्चंस आपको एक एज दे रहे हैं ओवर अदर स्टूडेंट्स और आपको बता रहे हैं कि जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो सकते हैं। ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड एवरीवन।